अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड को डिस्कस करना है कि हम किस तरह डिवीजन की मदद से स्क्वायर रूट को फाइंड करेंगे। जब हमारे पास फैक्टराइजेशन की मदद से स्क्वायर रूट को फाइंड करना डिफिकल्ट बन जाता है, मुश्किल बन जाता है, तो उसके लिए हमें फिर डिवीजन मेथड यूज करना पड़ता है। डिवीजन मेथड में आप लोगों के पास जो गिवन एक्सप्रेशन होगा, आप लोगों ने उस गिवन एक्सप्रेशन को सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखवाना होगा। जब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखवाओगे तो उसके बाद हमने उस प्रोसेस को कंटिन्यू करना होगा। वो डिपेंड करेगा वेरिएबल पे कि आप लोगों के पास वो एक्सप्रेशन किस वेरिएबल में है। एक्स में होगा तो हम उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे, वाई में होगा तो वाई के साथ देखना पड़ेगा, जेड होगा तो जेड के साथ देखेंगे। अब इस पूरे प्रोसेस को हम यहाँ पर इस एग्जाम्पल की मदद से ही समझेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है 4x पावर 4 प्लस 12x³ प्लस x² माइनस 12x प्लस 4। अब अगर इस एक्सप्रेशन को देखा जाए, इस पॉलीनोमियल को देखा जाए, तो ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इसलिए कि यहाँ पर x का जो सबसे बड़ा पावर है 4, तो 4 आप लोग के पास पहले आया हुआ है, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और आखिर में कांस्टेंट टर्म। तो इधर आप लोग के पास वो वेरिएबल तो मौजूद है लेकिन वो x पावर 0 फॉर्म में ही, और x पावर 0 1 के बराबर, तो उसको यहाँ पर लिखवाने की जरूरत नहीं है। जब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखवा देते हैं तो इसके बाद हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन होगा आप लोगों के पास, इसको आप लोगों ने एज अ डिवाइडेंड ले लेना है, और इसके लिए हमें डिवाइजर फाइंड करना होगा। डिवाइजर मालूम करने के लिए आप लोग के पास जो एक्सप्रेशन होगा, उस एक्सप्रेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखवाने के बाद जो सबसे पहला टर्म होगा उसका स्क्वायर रूट लेना होगा आप लोगों ने। जब हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा आप लोग के पास, देखिए आप लोग के पास आ गया 2x² आ गया। अब ये जो 2x² है हमारे पास, ये बन जाएगा फर्स्ट डिवाइजर, और इसके बाद फिर हमने इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है जो भी आगे होगा हमारे पास। लेकिन जो सबसे पहला काम आप लोगों ने करना है इसमें, वो यही करना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखवाने के बाद आप लोगों ने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट फाइंड करना है टू गेट द फर्स्ट डिवाइजर, कि आप लोग के पास डिवाइजर मिले। अब हमने इस 2x² को 2x² के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो जब हम 2x² और 2x² मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमारे पास आ जाएगा 4x पावर 4 आ जाएगा, और ये हो जाएगा कैंसिल। अब ये बाकी जितने भी टर्म्स होंगे ये अपनी जगह पे नीचे आ जाएंगे। अब इसके बाद जो स्टेप है आप लोगों के पास, वो ये होगा कि जब आप लोगों ने 2x² को 2x² के साथ मल्टीप्लाई किया, इट मीन दैट हम इसको अपने साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, इटसेल्फ 2x² मल्टीप्लाई बाय 2x², तो अगले स्टेप में आप लोगों ने उसी टर्म को फिर ट्वाइस करना होगा। ट्वाइस मीन आप लोगों ने उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, या आप लोगों ने उसको 2 टाइम ऐड करना होगा, तो ये आप लोगों के पास बन जाएगा 4x². अब ये तो हमारे पास रिमाइंडर आया हुआ है, ये सारे टर्म हमने यहाँ पर नीचे लिखवा दिए। अब इसमें आप लोगों के पास जो फर्स्ट टर्म है वो है 12x³। इस 12x³ को आप लोगों ने डिवाइड करना होगा इस फर्स्ट टर्म पे, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 3x। अब यहां पर आप लोग देखो तो इस 3x का साइन आप लोगों के पास पॉजिटिव है, तो हमने इस 3x को यहां भी लगवा देना है, इसके साथ भी ऐड कर देना है +3x, और फिर उसके बाद हमने इस पूरे टर्म को जो 4x² प्लस 3x है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 3x के साथ, तो ये बन जाएगा आप लोग के पास 4x³ और 3 3 9, और x मल्टीप्लाई बाय x बन जाएगा x², तो जिस नंबर को आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे के साथ, उसको आप लोगों ने यहां पर भी लिखवा देना है, क्वेश्चन में भी लिखवा देना है आप लोगों ने, तो ये आप लोग के पास 12x³ और 12x³ हो जाएगा कैंसिल, और ये हमारे पास इधर कोएफिशिएंट 1 और इधर -9 बन जाएगा ये, क्योंकि साइन हम चेंज करेंगे, तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास -8x², ये टर्म भी नीचे आ जाएगा और ये टर्म भी नीचे आ जाएगा।
अब यहां पर आप लोग देखो तो अब आप लोगों के पास इधर टर्म दो हो गए, 2x² हो गया और +3x हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने अगेन इसको ट्वाइस करना है। ट्वाइस में इसको आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करो या आप लोग इसको 2 टाइम ऐड करो, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4x² बन जाएगा, और ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, बन जाएगा 6x। अब जो अमल हमने इधर किया कि हमने उस फर्स्ट टर्म को इस 4x² पे डिवाइड किया, तो वही अमल हम यहां भी करेंगे। हम इधर इस फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे 4x² पर, जो फर्स्ट टर्म है आप लोगों के पास, तो इससे आ जाएगा आप लोगों के पास -2। तो -2 हम इसके साथ भी यहाँ लिखवा देंगे और उसको क्वेश्चन में भी लिखवा देंगे, लेकिन इस पूरे टर्म को आप लोगों ने -2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो इससे आप लोगों के पास आ जाएगा -8x², -12x और माइनस माइनस प्लस इंटू 2 जार 4, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखिए आप लोग के पास रिमाइंडर जो आ गया वो 0 हो गया। हमने इस अमल को, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना होगा तब तक जब आप लोग के पास रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो ये मेथड है हमारे पास स्क्वेयर रूट बाय डिवीजन मेथड। इसमें आप लोग के पास डिवाइजर नहीं होगा, डिवाइजर आप लोगों ने फाइंड करना होगा फ्रॉम गिवन एक्सप्रेशन। जो आप लोग के पास एक्सप्रेशन गिवन है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखवाने के बाद आप लोगों ने फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर रूट फाइंड करना होगा, और इसके बाद जो प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिया उसी को आप लोगों ने फॉलो करना होगा। तो अब यहां पर हम देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो स्क्वेयर रूट आ गया वो बन जाएगा आप लोगों के पास +-2x² + 3x - 2, जो क्वेश्चन आएगा वही आप लोगों के पास इसी का स्क्वेयर रूट होगा। सिमिलरली हमारे पास ये दूसरा एग्जाम्पल भी है, इसको भी आप लोग देख सकते हो। इसको भी आप लोगों ने सबसे पहले देखना होगा कि क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है, अगर होगा तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखवाने की जरूरत नहीं होगी। तो यहां पर देखिए आप लोग के पास विद रिस्पेक्ट टू, हम इसको एक्स देख लेते हैं, x² हमारे पास, फिर x हो गया हमारे पास कांस्टेंट टर्म, फिर यहाँ पर x^-1 होगा, x^-2 बन जाएगा क्योंकि ये फ्रैक्शन में भी आप लोगों के पास आ रहे हैं, तो ये ऑलरेडी आप लोगों के पास डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो इधर भी हमने उसी प्रोसेस को, इसी अमल को रिपीट करना है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट फाइंड करना और उसको फिर मल्टीप्लाई करना उसी के साथ, फर्स्ट टर्म कैंसिल होगा। अगले स्टेप में आप लोगों ने उस टर्म को डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद आप लोग के पास अगेन आप लोग उसको मल्टीप्लाई करो, जो नंबर आएगा तो आप लोग के पास अगले स्टेप में भी एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, और तीसरे स्टेप में आप लोग के पास सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह आप लोगों ने उसके रूट फाइंड करना है फिर। और एग्जाम्पल नंबर 3 भी यहाँ पर आप लोग देखो कि वो कह रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, कि टू मेक द एक्सप्रेशन अ परफेक्ट स्क्वेयर, इस एक्सप्रेशन को हमने परफेक्ट स्क्वेयर बनाना है, तो उसके साथ क्या ऐड किया जाए, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए और एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए। इट मीन दैट ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें आप लोग के पास रिमाइंडर आएगा। तो फिर हमने उस रिमाइंडर को देखना होगा कि उस रिमाइंडर में क्या ऐड किया जाए, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए और वहां पर एक्स की वैल्यू क्या पुट की जाए। तो प्रोसेस तो हमने यहाँ पर वही करना है जो स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड में है। मैं आप लोगों को यहाँ पर रिमाइंडर की तरफ ले आता हूँ, क्योंकि इससे पहले जो 2 एग्जाम्पल हमने किए उसमें हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखो तो यहाँ पर रिमाइंडर आप लोग के पास 0 नहीं है, रिमाइंडर हमारे पास है -2x + 4। अब यहाँ देखिए इसके साथ हम क्या ऐड करें कि ये 0 हो जाए, तो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों ने इसके साथ ये जो -2x है और +4 है इसके साथ आप लोगों ने 2x - 4 ऐड कर देना है, तो ये कैंसिल होगा, आप लोग के पास रिमाइंडर 0 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट किया जाए तो इसी नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करो, -2x + 4 से आप लोग -2x + 4 को ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिमाइंडर इसका बन जाएगा 0। और एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट की जाए, तो ये आप लोग के पास -2x + 4 जो है यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं। तो जब आप लोग इसमें एक्स की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आप लोग के पास ये रिमाइंडर 0 हो जाएगा, और आप लोग इसको यहाँ देख भी सकते हो, 2 पुट किया तो 2 जार -4, -4 + 4 देखिए रिमाइंडर 0 हो गया। तो डिवीजन मेथड में आप लोगों के पास
स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका यही है कि जो एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखवाना। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखवाने के बाद जो फर्स्ट टर्म होगा उसको स्क्वायर रूट फाइंड करना टू गेट डिवाइजर, क्या आप लोगों के पास डिवाइजर मिले। और उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो आप लोगों ने देख लिया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस मेथड को सीख लिया होगा। इनशाला हमने एक्सरसाइज से इसी पर डिफरेंट सवाल होंगे उनको हल करेंगे। इसमें आप लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा डिवीजन मेथड की मदद से। इंशाल्लाह आप लोग वहीं से भी इस मेथड को और भी सीख जाओगे। अल्लाह हाफिज।